हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लिंगड़ू का अचार। तो फ्रेंड्स, ये जो है लिंगड़ू हमने ले लिया है, इसको अब हम साफ़ करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। साफ़ करने के और कटिंग करने का जो तरीका है वो आप हमारे पिछले किसी भी लिंगड़ू की सब्ज़ी की वीडियो से देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको साफ़ सफाई करेंगे इसकी और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको काट के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए अब इसको लिंगड़ू को काट लिया है इस तरह से। अब हम इसे धो के उबालेंगे और उबालने के बाद हमें इसमें क्या करना है अचार बनाने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको अब वॉश करके उबालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने पतीला गर्म होने रख दिया है पानी का। हमें इसको सिर्फ दो बॉईल ही लगवाने हैं, दो उबाले लगवाने हैं बस। ज़्यादा इसको नहीं बॉईल करना है, हमें इसे थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है, नरम नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये जैसे ही पानी बॉईल होगा तब हम इसमें अपना धोया हुआ लुंगड़ू जो है वो डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा। तो हमने लुंगड़ू इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स, अब हम इसे एक से दो बॉईल ही करेंगे लगाएंगे बस। सो फ्रेंड्स, देखिए अब ये हमारा बॉईल हो चुका है, ये देखिए। तो इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल चुकी हैं, और सेकंड थिंग जो हमें हल्का सा इसको नरम करना था वो हो गया। अब हम गैस को बंद करके इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसका पानी जो है बिल्कुल अभी के अभी निकाल देंगे फ्रेंड्स, इसको पानी में नहीं रहने देंगे, नहीं तो इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा और ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमने इसका पानी जो है सारा ड्रेन कर दिया है। अब हमें इसको या तो 4 से 5 घंटे कड़ी धूप में रखना है या फिर इसको पंखे के नीचे रखना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर हम इसको अच्छे से बिखेर के रखेंगे फ्रेंड्स तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको ऐसे बाउल में या बर्तन में रखेंगे तो इसका सारा जो मॉइस्चर है वो नहीं निकल पाएगा। तो इसे बिखेर के किसी चादर पे या किसी बड़ी परात पे उस पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसे धूप लगाएं या पंखे के नीचे रखें। तो अब हम इसको सुखाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं ये किस तरह का हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमने इसको सुखा लिया है धूप में। 4 से 5 घंटे सूखने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया। तो चलिए अब अचार की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, और अचार में हमने क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अचार में डालने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, सबसे पहले तो हमारा लुंगड़ू जो कि सूखाया हुआ होना चाहिए, उसके बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, राई, सरसों का तेल और विनेगर यानी कि सिरका। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्रेंड्स हम ये लुंगड़ू का अचार तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपना मस्टर्ड ऑयल। फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, जितना हम सब्जी बनाने के लिए लेते हैं उससे आप मान लीजिए कि 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि तेल अगर कम होगा तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। फ्रेंड्स, तेल गर्म होते ही देखिए मैं अब इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, तेल हमारा गर्म हो गया है, देखिए ऊपर बबल्स भी आने लग गए हैं। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। नमक के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में, और तेल में ही थोड़ी देर भूनेंगे इसको। फ्रेंड्स, जैसे ही ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपना लुंगड़ू। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें लुंगड़ू डाल देंगे, और अब अपने लुंगड़ू को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट इस तरह से इसमें चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे हम सब्जी पकाते हैं वैसे नहीं करना है, बस इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से इसमें चलाते रहना है मसालों के साथ, ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और फिर
उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो मैं आपको बताता हूँ जब ये एक से दो मिनट हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे एक से दो मिनट चलाने का रीज़न सिर्फ यही है कि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें धूप लगाने के बाद भी रह जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और तेल हमारा जो है वो अच्छे से सब्ज़ी में इसमें लुंगड़ू में रच जाएगा और अचार जब हम खाएंगे तो हमें पूरा मसालों का फ्लेवर हर एक पीस में आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बस इसे हिलाते रहना है। तो फ्रेंड ये देखिए, अब ये हमारे दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे राई। इसमें फ्रेंड्स खटास के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक तो राई और सिरका। सिरके से इसकी लाइफ बढ़ेगी और राई से इसको अच्छी खटास मिल जाएगी। और अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इसको बंद कर दिया है, ये देखिए। अब इसको जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसे ठंडा होने के बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसे अगर जल्दी ठंडा करना चाहें तो इस तरह से गैस बंद करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा हिला भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेचुरल तरीके से ठंडा होने दें तो ये आराम से ठंडा होता रहेगा। सो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और सिरका बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ही चाहिए क्योंकि हमने ये करीब आधा किलो का अचार बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसमें सिरका ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम कांच की बोतल में डालेंगे। आप भी कोशिश करिएगा कि कांच की बोतल ही हो और 10 से 15 दिन इसे धूप लगाएंगे। धूप लगाने से ये है कि फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये अचार ख़राब भी नहीं होगा, आप चाहे 2 साल यूज़ करें इसे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको जार में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा लुंगड़ू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इसको कांच के जार में डाल दिया है और खाने के लिए अभी ये तैयार नहीं है, इसको कम से कम 10 से 15 दिन की धूप लगाना अभी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।